हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में काफ़ी कमेंट आ रही थी कि हम जो है इस रीजनल सेंटर के हैं और हमें जो है कितनी कट ऑफ रहेगी, कितना क्या है, उस बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। अगर आप भी अपने एरिया की कट ऑफ देखना चाहते हैं कि आपके एरिया की कट ऑफ कहाँ तक रहेगी, आप जनरल OBC, फिजिकल हैंडीकैप, SC ST, ये सब इकोनॉमी वीकर सेक्शंस के लिए कितनी कितनी कट ऑफ रहने वाली है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे अपना रीजनल सेंटर का नाम लिख लेना है, जैसे लखनऊ, नोएडा, जोधपुर, जयपुर, ऐसे कि तो हम उस एरिया की कट ऑफ की आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो ये कट ऑफ है, इसमें आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है जनरल की, इसमें 84, ये लखनऊ की है, ठीक है, ये लखनऊ की कट ऑफ है, पिछले साल की कट ऑफ है लखनऊ की 84 से। जनरल का जो है कंफर्म मेरिट लिस्ट शुरू हुआ था, कंफर्म मेरिट लिस्ट, तो 84 से ये कंफर्म कहाँ तक जाके रुकता है, ये जाके रुकता है 84 से लेके 77 तक, यानी कि तो जो लखनऊ रीजन से है, अगर उनके जनरल कैंडिडेट है तो 84 से लेके 77 मार्क्स तक अगर उनके आ रहे हैं, लगभग वही एवरेज रहता है, तो 77 तक आपका नंबर उसमें पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाता है वेटिंग लिस्ट जनरल का, तो जनरल का वेटिंग लिस्ट आ जाता है 76 से शुरू हो रहा है इसमें, और इसमें हो गया 75 तक जनरल का वेटिंग लिस्ट चल रहा है। इसका मतलब ये है अगर ऊपर उसमें कोई अपने डॉक्यूमेंट टाइम से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, फीस जमा नहीं कर पाता है, डॉक्यूमेंट में कुछ कमी निकल जाती है, तो वेटिंग लिस्ट वालों को उनको ऊपर कर दिया जाता है। तो 75 तक हो गया है और कन्फर्म कैंडिडेट 77, 77 से 75, यानी कि 2 मार्क्स के बीच में ही वेटिंग लिस्ट में आ गए हो आप, ठीक है। उसके बाद जो SC स्टूडेंट है वो कंफर्म शुरू हुआ 73 मार्क्स से, SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, और इनका कंफर्मेशन चल रहा है 63 तक। अगर आप लखनऊ रीजन से हैं तो आपको से 63 भी अगर आपके मार्क्स लगभग ऑन एवरेज आते हैं तो आप कंफर्म कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाओगे। और उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट वाला जो है वो 62 से शुरू हो रहा है, 62 से लेके इनका वेटिंग लिस्ट है 59 तक, ठीक है, तो आपको 59 तक वेटिंग लिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो ST के स्टूडेंट है वो 72 के हाईएस्ट, 76 से उनका कन्फर्मेशन शुरू हो गया ST स्टूडेंट का, और ST का 54 तक भी आया है लखनऊ रीजन के अंदर कन्फर्मेशन में, तो काफ़ी नीचे तक मेरिट रही है, बहुत कम स्टूडेंट है ST के, तो SC के ज़्यादा हैं, 72, 64 और 54 तक ST का कंफर्मेशन आया है लखनऊ रीजन सेंटर के अंदर। उसके बाद चलते हैं OBC के अंदर, OBC 76 से शुरू हो गया है OBC का कंफर्मेशन का स्टेट BEd के लिए, और 76 से लेके 75, काफ़ी टाई मैचेस है, 2 मार्क्स के अंदर पूरा सिमट गया है इसमें, तो काफ़ी टफ कंपटीशन है OBC के अंदर। तो 75 तक उनकी मेरिट लगी है पिछले साल, और 74 से उनका वेटिंग लिस्ट शुरू हुआ है, 74 से वेटिंग लिस्ट शुरू हो के OBC का, और 72 पे ही ख़त्म हो गया उनका OBC का, यानी कि 2-3 मार्क्स के अंदर वेटिंग लिस्ट भी ख़त्म हो जाएगा आपका OBC का, अगर आप OBC की लिस्ट में आते हैं। उसके बाद हम फिजिकली हैंडीकैप की बात करते हैं, तो फिजिकली हैंडीकैप अगर कोई सर्टिफिकेट लगाया है तो 71 से लेके 47 तक उनके मार्क्स हैं, तो 47 में भी कन्फर्मेशन आया हुआ है तो आप सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो फिजिकली हैंडीकैप का लगभग कंफर्म है कि उनका एडमिशन हो जाएगा, लग रहा है, ऐसा लग रहा है अगर वो लखनऊ रीजन से है तो। फिर इकोनॉमी वीकर सेक्शंस का जो पिछले साल जो शुरू हुआ था वो 69 से शुरू हुआ था, काफ़ी अच्छा है, 69 से इकोनॉमी वीकर सेक्शन का चला गया है कंफर्म 66 तक, काफ़ी लो मेरिट आई थिंक लगा है इकोनॉमी वीकर सेक्शन का, 66 तक अगर लगा है तो ये तो OBC से भी, बहुत नीचे लग गया है इनका मेरिट। आपका क्या कहना है इसमें, कन्फर्मेशन इकोनॉमी वीकर सेक्शन को काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स इसके अंदर मिला है, अगर उनका कन्फर्मेशन 76 तक मिला है तो OBC का कन्फर्मेशन इसमें कहाँ तक मिला था, OBC का कन्फर्मेशन इसमें मिला था 75 तक, 75 और
लगभग 9-10 नंबर का अंतर है इनके कंफर्मेशन के अंदर, ओबीसी से भी नीचे, उसमें इकोनॉमी वीकर सेक्शन में की 66। फिर उसका जो वेटिंग लिस्ट जो है इकोनॉमी वीकर सेक्शन का, वेटिंग लिस्ट 55 तक आया है, काफ़ी नीचे तक आया है 2019 का। इसका मतलब अगर कोई इकोनॉमी वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट लगाया है तो उसके भी चांसेस ज़्यादा हैं लखनऊ रीजन सेंटर के अंदर। तो ये थी कि आपकी मेरिट लिस्ट कहाँ से कहाँ तक कंफर्मेशन आपको मिलेगा। फिर आपको शेड्यूल्स दिए जाएंगे कि क्या पे आपको आना है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है, उस वीडियो को मैं आई बटन में डाल दूंगा कि आपको बीएड के अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन क्या क्या होगा, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाए तो दूसरे को शीट दे दी जाएगी। ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं पिछली वीडियोज़ में, आप उनको देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी। थैंक यू।